अली अमीन गंडापुर साहब को आप किस तरह डिफाइन करेंगे, और ये जो पिशावर का जलसा है वो मनसूख करने की क्या वजह बनी? पिशावर का जलसा इसलिए मनसूख हुआ है कि 8 तारीख को कोयटा में जलसा हो रहा है, ठीक है जी, अब वो सवाबी में हो रहा है 9 तारीख को, वो कल ऐलान हो गया है सवाबी, और वहाँ 9 तारीख को अगले प्रोग्राम के लिए का ऐलान भी किया जाएगा कि आगे क्या है। ये एक लगातार एहतजाजी तहरीक है हमारी, पुरअमन एहतजाजी तहरीक, जिसका आगाज़ एक्चुअली कोयटा से होगा, फिर ये यहाँ सवाबी में आएगा और उसके बाद बाकी शहरों में भी जाएगा, वो आपको 9 तारीख को पता चल जाएगा। पूरा वेन्यू चेंज हो गया सर, पिशावर बड़ा इंपॉर्टेंट आपका प्रोविंस, पिशावर में आ जाएंगे, वापस पहुँच जाएंगे पिशावर में, वो नहीं है, वो हमारी अपनी टेरिटरी है, वहां हम जब चाहें कर सकते हैं। स्वाबी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो ये पंजाब और केपी का बॉर्डर है, तो वहां पंजाब से बहुत दुनिया आएगी, तो हम उसको अकोमोडेट करना चाह रहे थे, केपी से तो लोग आएंगे ही, पंजाब से भी बहुत दुनिया आएगी, सो ये बॉर्डर है, डिविजन है बिटवीन केपी एंड पंजाब, सो आई थिंक इट हैज इमेंस सिग्निफिकेंस। सर आप जो है वो ये मानते हैं कि पावर सेंटर आपकी पार्टी का इस वक्त पिशावर में शिफ्ट हो गया है, बुशरा बीबी भी वहीं चली गई? पावर सेंटर इस वक्त सीधा कडियाला जेल में है भाई, एक ही पावर सेंटर है, वो खान की जात है, कोई और उसको ले ही नहीं सकता। और उनका मैंडेट किसके पास है? किसका? खान का मैंडेट खान के पास, खान का मैंडेट उनके पास है, हाँ उनके बिहाफ के ऊपर लोग काम करते हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, हमारी कोर कमेटी है, एडवाइजरी कैपेसिटी में फिर लोग हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है सेनेट में, लीडर ऑफ द अपोजिशन है नेशनल असेंबली में, चीफ मिनिस्टर साहब हैं। इंप्रेशन यही दिया जा रहा है ना, क्योंकि अली अमीन साहब की उनसे मुलाकातें होती हैं और उसके बाद ये सारी मूव हम देख रहे हैं, चेंजेस देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, जो अली अमीन साहब भी डिसीजन कर रहे हैं, तो शायद मैंडेट उनके पास भी हो। अली अमीन साहब को खान साहब ने मतलब ये राइट दिया हुआ है कि वो जो ये प्रोटेस्ट है इसको लीड करेंगे, वही ये तो उनके पास है, तो आपको पता है ये पब्लिक नॉलेज, उसका मतलब अगर ये शिफ्ट हो रहा है तो शिफ्ट में भी खान साहब की विल शामिल है, उनके उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता, कुछ शिफ्ट हो ही नहीं सकता, आदिल जितनी मर्जी हम कोशिश करें, जब तक खान साहब हर चीज़ देखे, कोर कमेटी में पॉलिटिकल कमेटी में जो भी फैसले होते हैं वो खान साहब के साथ पास जाते हैं तौसीक के लिए, और जब तौसीक होती है तो वो फैसले जो हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाता है, उन पर अमल दरामद होता है, उसके बगैर नहीं। हाँ खान साहब की तरफ से कोई अगर और भी गाइडलाइंस आती हैं या इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो उनके ऊपर हम सर आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।